राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। भाजपा ने दूसरी सूची जारी कर दी तो वहीं कांग्रेस ने आज अपनी पहली सूची जारी की है जिसका बेसब्री से इंतजार था। कांग्रेस ने सीएम अशोक गहलोत सहित 33 उम्मीदवारों को अपनी पहली सूची में शामिल किया है जिसमें नोहर से अमित चाचन का नाम है, कोलायत से भंवर सिंह भाटी का नाम शामिल है, सादुलपुर से कृष्णा पूनिया को एक बार फिर से मौका मिला है, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, मंडावा से रीटा चौधरी, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा को मौका मिला है, विराटनगर से एक बार फिर से इंदिराज सिंह गुर्जर, मालवीय नगर से डॉक्टर अर्चना शर्मा, सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज, मंडावर से ललित कुमार, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली, सीकराय में ममता भूपेश, सवाईमाधोपुर से दानिश अबरार, टोंक से सचिन पायलट, लाडनू से मुकेश भाकर, डीडवाना से चेतन सिंह चौधरी, जाल से मंजू देवी, डेगाना से विजयपाल मिर्धा, परबतसर से रामनिवास गावड़िया, ओसिया से दिव्या मदेरणा, सरदारपुरा से अशोक गहलोत, जोधपुर से मनीष पंवार, लूनी में महेंद्र बिश्नोई, बैतू से हरीश चौधरी, डूंगरपुर से गणेश घोगरा, बागीदोरा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कुशलगढ़ से रमीला खड़िया, प्रतापगढ़ से रामलाल मीणा, भीम से सुदर्शन सिंह रावत, नाथद्वारा से सीपी जोशी, मानलगढ़ से विवेक धाकड़ और हिंडोली से अशोक चांदना को टिकट दिया गया। जिस प्रकार से सूची जारी हुई है उसमें साफ तौर पर जो पुराने नेता हैं जो पहले से उस सीट पर चुनाव लड़े थे, जीत हासिल की थी, उन पर ही कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से विश्वास जताया है, यानी कि जो जीता उम्मीदवार थे पिछली बार के उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। 33 नाम इसमें शामिल किए गए हैं जिनको लेकर पहले कोई संदेह नहीं था। हाँ, ये जरूर लग रहा था कि पुराने नेताओं को इस बार मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर कोई बड़े बदलाव होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस प्रकार के कोई चौंकाने वाले फैसले यहाँ पर नहीं हुए हैं और सूची में लगभग वो तमाम नाम शामिल किए गए हैं जो अनुभव रखते थे, जो पुराना अनुभव रखते हैं और पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। हालांकि अर्चना शर्मा को भी टिकट मिला है, वो पिछले बार चुनाव हार गई थी लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास किया और उन्हें टिकट दिया। इसी प्रकार से बाकी जिन सीटों पर उम्मीदवार जीत लेकर आए थे उन्हें मौका पहली सूची में जरूर मिल चुका है और ये जो 33 नाम है इसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम, इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का नाम तक भी इसमें शामिल है, सीपी जोशी का नाम इस सूची में शामिल है, यानी कि मुख्य मुख्य रूप से जो नाम है वो पहली सूची में और उसके बाद में अब इंतजार जो है वो दूसरी सूची का रहेगा। यहाँ एक और बड़ी बात यह है कि दूसरी सूची में क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, क्या चौंकाने वाले फैसले मिल सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ज़रूर हो जाता है। लेकिन एक बात और है कि बीजेपी में जिस प्रकार से पहली सूची जारी होने के बाद में परिवर्तन जो किए गए थे, बदलाव जो किए गए थे, उसका विरोध वहाँ पर बीजेपी को उठाना पड़ा था और ऐसे में ही कांग्रेस को पार्टी में सूची जारी होने से पहले ही विरोधाभास कई जगहों से देखने को मिला था, लेकिन सूची जारी होने के बाद में खुशी का माहौल ज़रूर कांग्रेस पार्टी के लिए है और यही कारण है कि मनोबल जो है वो अब कांग्रेस पार्टी का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पंवार खुशी और जश्न का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। मनीषा पंवार आप देख पा रहे हैं उन्हें वीडियो में और जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो तमाम कार्यकर्ता जो थे उनकी हौसला अफजाई के लिए वहां पहुंच गए और नारेबाजी वहां पर की गई और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में मनीषा पंवार, और वहां एक बार फिर से मौका मिला है इन्हें। और सबसे मुख्य बात है कि जो पुराने जो नेता थे जो पहले से अपनी अपनी सीटों से जीत के आए थे उन्हें एक बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, आलाकमान ने उन पर विश्वास जताया और पहली सूची में 33 नाम शामिल किए गए हैं जो कि लगभग सभी अधिकांश जो उम्मीदवार हैं वो जिताऊ उम्मीदवार थे जो पहले चुनाव में जीत हासिल करके आए थे। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जैसे ही सूची जारी हुई उसके बाद से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और हर कोई अपने अपने नेता तक पहुंच रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, साफा पहना रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और इसके साथ ही नेताओं की प्रतिक्रिया वो भी लगातार रह रही है। क्या भावनाएं हैं, क्या खुशी का माहौल है, किस प्रकार से अपनी इस भावना को इजहार यहाँ पर करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। हमने 5 साल चाहे कोरोना काल रहा हो चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां रही हो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, लोगों का प्यार और स्नेह हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है, उन्हीं योजनाओं को जो घर घर पहुंचाने का कार्य करता हूं उन्हें उन्हीं योजनाओं को लेकर आम जनता में जाएंगे, विकास को लेकर जाएंगे और उसी विकास का वोट मिलेंगे। तो आपके पास चैलेंजेस किस तरीके से
से आप? देखिए, जब पिता राम सिंह जी आर्य का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार स्नेह है, कार्यकर्ताओं का विश्वास है, तो चाहे कितने से भी बड़ा नाम क्यों नहीं आ जाए, कैंडिडेट क्यों नहीं आ जाए, हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीत सकते हैं। बिल्कुल, जनता का प्यार स्नेह पर बना हुआ है और भी बनेगा। आपको बता दें कि अलग अलग वीडियो और तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, जश्न का माहौल है, जहां जहां टिकट मिला है कार्यकर्ता वहां पहुंचे अपने नेताओं के पास में, और उसके बाद में मिठाई बांटी गई है, वहां पर मालाएं पहनाई जा रही हैं, खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। तमाम नेता एक बार फिर से ये दोहराते हुए कि वो एक बार फिर से विकास कार्य में जुट जाएंगे और उन्हें जो मौका मिला है आलाकमान की तरफ से उस पर वो खड़े उतरेंगे। हर किसी का यही दावा यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है और खुशी का माहौल है कि एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास यहाँ पर जताया है। प्रदेश भर से अलग अलग वीडियो और तस्वीरें लगातार आ रही हैं और 33 नाम अभी पहली सूची में शामिल हुए हैं, और उन 33 नामों को यहाँ पर आप देखिए, प्रदेश भर में जश्न उनके लेकर मनाया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, और इसके साथ ही दूसरी जो है सूची उसको लेकर भी तैयारी यहां पर चल रही है, और उसमें किन किन नामों को शामिल किया जाएगा उसको लेकर जरूर यहां पर अभी असमंजस बना हुआ है। और इसके साथ ही सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मनोज मेघवाल जो विधायक हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। धन्यवाद सर। पहले आपको बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर से आप पर पार्टी ने विश्वास किया है जी, थैंक यू। और जनता के आप जो विश्वास है उस पर खड़े उतरेंगे, ये उम्मीद पार्टी ने जरूर आपसे लगाई होगी। सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि इस वक्त जब पहली सूची में नाम शामिल किया गया है तो कार्यकर्ताओं से आप क्या कहना चाहेंगे, और आपको किस प्रकार से आस थी कि विधानसभा क्षेत्र में आपकी तरफ से किए गए कार्यों पर क्या विश्वास किया गया आलाकमान की तरफ से, क्या लगता है? बिल्कुल, जो सुजानगढ़ की जनता की, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना थी, उनका शीर्ष नेतृत्व ने सम्मान किया है, उनकी कदर की है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और डोटासरा जी का और हमारे शीर्ष नेतृत्व खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां की जन भावना का और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना की सम्मान किया है। और जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो विकास के काम हैं, और जो हमने 2 साल 2.5 साल काम किए उसके दम पर इस विधानसभा चुनाव में हम 2023 में जो 25 तारीख होना है उसमें जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे। बिल्कुल मनोज जी, 7वीं बार आपके घर में टिकट आया है, भरोसा जताया गया आप पे, आपके परिवार पर, क्या कहेंगे इसे लेकर? 12वीं बार टिकट आया है साहब, हमारे परिवार की लगातार 77 से 12वीं बार टिकट आया है, और ये सब जो जनता का प्यार है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्नेह है, जो एकजुटता है यहाँ पार्टी की, सबसे बड़ी है कि कार्यकर्ताओं की एकजुटता है, कांग्रेस का यहाँ पर जो एकदम होकर शुरू से एकजुट होकर रहती, और हमारे परिवार ने, चाहे पिताजी ने जो 1977 से लगातार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके प्रति जनता का सम्मान, और जो उन्होंने काम किया इस क्षेत्र में, सबसे बड़ी चीज जो विकास के काम किए, जो लोगों के काम किए, उसके कारण नेतृत्व ने हमेशा भरोसा किया है और एक बार फिर इस चुनाव में हमें मैदान में पार्टी की तरफ से उतारा। मनोज जी, जनप्रतिनिधि का मतलब ही है कि जो जनता का प्रतिनिधित्व करे, जो उनके नेता हैं, जो उनके हीरो हैं एक प्रकार से, क्या कहेंगे इस बार आप जनता के लिए और क्या करना चाहेंगे, क्या उम्मीद यहाँ की जनता आपसे इस बार जगाए कि इस बार हमें ये सौगात मिल सकती है या इस बार हमारी तरफ से कार्य किया जा सकता है, क्या कहेंगे? जो 5 साल में हमने यहाँ विकास के काम किए, जो 5 साल में मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में विकास के काम किए, और जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जो का लाभ प्रदेश को मिला है और हमारे क्षेत्र के लोगों को मिला है, तो इस चुनाव में हम एक एक अगर हमने विकास किया है, लोगों के जो काम, जनता के जो दुख दर्द में हम साथी रहे, और विशेष तौर से जो क्षेत्र के विकास की बात है, जिस तरह से मुख्यमंत्री की सहयोग से किया है, जरूर जनता आशीर्वाद देगी, और उसी के भरोसे, उसी के दम पर हम इस चुनाव में जा रहे हैं, और एक बार पुनः विश्वास दिलाते हैं कि जो विकास का रथ है आने वाले समय रुकेगा नहीं, और ज्यादा दौड़ने का हम जनता को भरोसा दिलाते हैं कि हमारी तरफ से जो विकास की यात्रा है आगे और ज्यादा इसी तरह से दौड़ती रहेगी। मनोज जी, इसके साथ ही
यहाँ एक और सबसे बड़ी जो चुनौती पार्टी के लिए थी कहीं ना कहीं वो ये थी कि जिताऊ उम्मीदवार का दावा किया जा रहा था कि इस बार जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारेंगे। ऐसे में सुजानगढ़ से क्या उम्मीदें थी जनता को और पार्टी को, क्या उम्मीदें थी आलाकमान को, क्या उम्मीदें थी जिताऊ उम्मीदवार को लेकर, आपको क्या संशय था कि क्या लग रहा था कि किस प्रकार का माहौल बन रहा है, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में विरोध भी कई जगहों पे देखने को मिला, तो ऐसे में आप खरा उतरेंगे पार्टी के विश्वास पर, क्या लग रहा था मनोज जी? जो हमने 5 साल में काम किया, जो मेरा 2.25 साल का कार्यकाल था, जिस जो हमने विकास के काम किए, जो लोगों के बीच दुख सुख में हम साथ रहे, और यहाँ के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, जनता की जो जन भावना थी, और जो पार्टी ने उसको देखा, चाहे पार्टी के पर्यवेक्षकों की बात हो, चाहे जिस तरह से पार्टी ने सर्वे करवाए उसमें बात हो, और जो यहाँ से जनता की भावना निकल के आई है, कार्यकर्ताओं की जो भावना है, जरूर शीर्ष नेतृत्व ने उसको देख के और इस चुनाव में हम लोगों पे और यहाँ के विशेष तौर से मुझ पे भरोसा किया। क्या कांग्रेस पार्टी में कहीं मनमुटाव की स्थिति है किसी नेता में, किसी कार्यकर्ता में? क्या आपको लगता है किसी क्षेत्र में ऐसा कोई माहौल है, या फिर पार्टी एकजुट होकर और आगे बढ़ रही है, पिछली बार की जैसी जीत या फिर उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश है? बिल्कुल, सुजानगढ़ की जनता कांग्रेस के प्रति मन बना चुकी है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट होते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीटिंग करके एकजुट होकर एक सिंगल नाम का प्रस्ताव नीचे से लेकर ऊपर तक भिजवाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की एकजुटता का यही है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक नाम यहाँ से सुजानगढ़ से पार्टी की तरफ से इस चुनाव के लिए भेजा गया है, तो पार्टी एकजुट है। जहां तक जीत की बात है, 2018 के चुनाव में लगभग 40,000 वोटों से यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देके मेरे पिताजी को विधानसभा में भेजा था, मुझे उपचुनाव में लगभग 36,000 वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजा था, तो जो मार्जिन था वो लोगों का और जनता का कांग्रेस के प्रति हमारे प्रति था, और आने वाले इस चुनाव में भी उसी तरह का आशीर्वाद, मुझे भरोसा है कि उससे भी कहीं बढ़कर इस चुनाव में जनता आशीर्वाद देगी। तो मनोज जी, आपका ये मानना है कि जनता की उम्मीदों पर आप खरे उतरे, इसीलिए आलाकमान ने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपको चुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं आपको, आप आगे बढ़िए और विकास जो सुजानगढ़ का है उसे और आगे आप ले जाइए, अनंत शिखर तक पहुंचाइए। बहुत बहुत आभार आपका पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए।